सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरह से आप लोग अपने फ्री फायर गेम के अंदर 29 रुपए के स्पेशल ड्रॉप ला सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को लाइव प्रूफ लाकर दिखाने वाला हूँ कि वो कौन से ट्रिक है जिस ट्रिक के माध्यम से आप लोग फ्री फायर गेम के अंदर अपने अकाउंट के अंदर 29 रुपए के स्पेशल एयरड्रॉप ला सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग फ्री फायर खेलते हो और आप लोगों को सिर्फ महंगा एयरड्रॉप आता है, ओनली ऑन महंगा एयरड्रॉप, तो आप लोग इस ट्रिक को फॉलो करोगे तो आप लोगों के भी अकाउंट में 29 रुपए का स्पेशल एयरड्रॉप आएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप लोग तो जानते हो कि 29 रुपए के स्पेशल एयरड्रॉप आने से आप लोगों को 300 डायमंड मिलता है वहाँ पे, जो काफ़ी सस्ते में आप लोग यहाँ से डायमंड परचेस कर सकते हो। ओनली 29 रुपए में 300 डायमंड आप लोगों को मिल जाता है। अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप लोगों के फ्री फायर गेम के अंदर 29 रुपए के स्पेशल एयरड्रॉप आए, तो आप लोग जरूर इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा। मैं अच्छे से बताऊंगा, आप लोग अच्छे से सुनकर अच्छे से उन सब स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, तो आप लोगों के आईडी में जरूर से जरूर आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को फ्री फायर से रिलेटेड जितने वीडियोस हो आप लोगों को इस चैनल पे देखने को मिलेगी। जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना कि आप लोगों को ये ट्रिक कैसा लगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो, जैसा मैं बोलता हूँ आप लोग को सेम टू सेम वैसा ही करना है, तो आप लोगों के भी आईडी में 29 का स्पेशल ड्रॉप आएगा, जैसा कि मेरा आया था और मैंने यहाँ पे डायमंड परचेस करके रख दिया है, देख सकते हो आप ऊपर। तो देखो, आपको करना है कि आपको जिस आईडी में 29 रुपये का स्पेशल ड्रॉप चाहिए, वो आईडी को आपको 7 दिनों तक लॉग आउट करके रखना है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को 7 दिनों तक यानी एक वीक तक आप लोगों को उस आईडी को लॉग आउट करके रखना है। उसके बाद सातवें दिन के बाद 8वें दिन आप लोगों को वो आईडी लॉग इन करना है। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनना। तो उसके बाद आप लोगों को अपने गेम में आने के बाद अपने कैरेक्टर वाले सेक्शन पे जाना है। कैरेक्टर वाले सेक्शन में जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से सुनना। सबसे नीचे आ जाना है कैरेक्टर वाला ऑप्शन पे, और आप लोगों को ये दो जो कैरेक्टर है, ईवी और ये क्या है, नुल्ला और प्रीमियस को छोड़कर, आप लोगों का जो वाला कैरेक्टर मैक्स नहीं है, मतलब ध्यान से सुनना, जो वाला कैरेक्टर आप लोगों का मैक्स नहीं है उसमें से आप कोई एक कैरेक्टर ले सकते हो। उसके कोई एक कैरेक्टर को लेना है जो आपका मैक्स नहीं हो, बस ये दोनों के कैरेक्टर को छोड़कर इन सब में देखना आप लोगों का कौन सा कैरेक्टर मैक्स नहीं हो। वो मैक्स बिना मैक्स वाले कैरेक्टर को लेकर आप लोगों को, जैसे मेरा ये मैक्स नहीं है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को क्या करना है उसके बाद देखिएगा। उसके बाद वेपन्स वाले सेक्शन पर आने के बाद आप लोगों के पास जितने भी मतलब गन के स्किन है उसमें सबको डिफॉल्ट कर देना, मतलब ये वाला इक्विप करके रख देना, डिफॉल्ट वाला, मतलब जितने भी गन के स्किन है आप लोगों को सिंपल यहाँ पे इक्विप करना है। कौन सा, डिफॉल्ट वाला, डिफॉल्ट वाले सारे गन स्किन को आप लोगों को उसी तरह से कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद देखिए, उसके बाद कलेक्शन वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, सारे इमोट्स को भी हटा देना है, सारे इमोट्स मतलब जितने भी इमोट्स आप लोगों को सारे इमोट्स को हटा देना है। उसके बाद देखिए मेन चीज़ आप लोगों को क्या करना है, मैं बताता हूँ। उसके बाद आप लोगों को अपने सेटिंग पे चले जाना है। इतना कुछ आप लोगों को करने के बाद, अपने सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे क्या करना है, क्लियर कैच कर देना है। क्लियर कैच आप लोगों को यहाँ पे दिखता होगा, सबसे नीचे होता है अदर्स में, यानी क्लियर कैच को कर देने के बाद आप लोगों को करना है अपने गेम को एक बार काट देना है, मतलब हटा देना है। गेम को हटाने के बाद आप लोगों को कुछ देर यानी आधे से एक घंटा के बाद अपने गेम में वापस आना है। गेम में वापस आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से एक रैंक गेम लगाना है। कौन सा रैंक गेम, स्क्वाड रैंक गेम, स्क्वाड के साथ अपने खेल सकते हैं। फुल मैप रैंक गेम जो होता है, फुल मैप रैंक गेम यहाँ से आपको खेलना, और यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, कोशिश करना है आप लोगों को बुया करने की। मतलब अगर आप बुया नहीं भी करते हो, टॉप 10 के अंदर आते हो, तो आप लोगों का चांस बन जाता है 90% यहाँ पे 29 रुपये के स्पेशल ड्रॉप आने का। अगर आप लोगों का एक गेम में नहीं आता है तो आप फिर से दोबारा दूसरा गेम खेल सकते हो, स्क्वाड रैंक गेम। यहाँ से वैसा करने से आप लोगों का यहाँ पे 29 रुपये के स्पेशल ड्रॉप आने का चांस रहता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने इस ट्रिक को फॉलो किया तो मुझे यहाँ पे 29 रुपये का स्पेशल ड्रॉप आया। आप लोग जरूर से करना, और आप लोग बताना नीचे कमेंट बॉक्स में आया कि नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे लोग इस ट्रिक को फॉलो करते हैं और काफ़ी यूजफुल ट्रिक है, तभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। आप लोग जरूर से इस ट्रिक को फॉलो करना, तभी आप लोगों का यहाँ पे 29 का स्पेशल ड्रॉप आएगा। एक बार करके देखना और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं कि मुझे सिर्फ महंगा वाला एयरड्रॉप आता है, सस्ता एयरड्रॉप नहीं आता, कोई ऐसा ट्रिक बताओ कि हम लोगों का 29 का स्पेशल ड्रॉप आया। तो मैं इस ट्रिक को जरूर, मैं जो बताया उसको जरूर से एक बार फॉलो करना, और आप लोग बताना उसके नीचे कमेंट बॉक्स में। तो यही था आज का ट्रिक, वीडियो अच्छे से देख लो, समझ लो, उसके बाद ट्रिक को जाकर जरूर से फॉलो करना। तो चले गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।